दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका अपना लकी सिंह भाटी और आगे एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हाउ टू टाई नॉट्स के ऊपर आ जाएगी, कन्ने के कैसे बनते हैं, तो वही है यार आज की वीडियो। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। तो चलो फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले पतंग दिखा देता हूँ। तो ये रही यार अपनी पतंग। और अभी सर्दी आपको इसमें कितने लेनी है, देखो मंजोली साइज़ की पतंग है। तो मैंने यहाँ पे डबल, अगर आपको कन्ने बांधने हैं ना तो आप देखो इस तरीके से कुछ ले सकते हो। देखो इतनी लंबी सर्दी काफ़ी रहेगी। तो अभी मैं डबल कन्ने बांधने वाला हूँ इस पर और आप लोग को दिखाता हूँ कैसे है कैसे नहीं। सिंगल भी चलेंगे लेकिन मैं डबल दिखा देता हूँ। तो ये रही यार पतंग। यहाँ पर सबसे पहले इधर हमेशा याद रखें, राइट साइड ऊपर और लेफ्ट साइड नीचे छेद होना चाहिए, नहीं तो आपकी पतंग एकदम सही कन्ने नहीं बनेंगे, तो फिर वो सही से उड़ेगी भी नहीं। ये देखिए, और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे, ये देखो ये और ये देखो इतनी दूरी पे हमने यहाँ पे छेद कर दिया। इतना यार सही भी रहता है, ठीक है ना। ये देखो इतने पे हमने अब छेद कर दिए। अब इसके बाद क्या लेना है हम लोग को, जो सद्दी है हमारी, उसके बाद उसको डबल करके एकदम बराबर कर लेना है। देखो कैसे करना है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो अब जैसे यहाँ से हमने बराबर कर लिया तो दूसरी तरफ से तो अपने आप ही आ ही जाएगा। ये देखो तो यूँ बराबर हो गया। अभी हम इसको डालते हैं कन्नों में। ये देखो ये हमने इधर से ऊपर वाले से पहले डालना है। ये देखो ऊपर से निकालना, देखो नीचे वाले में फिर डालना है। और याद रहे यार ये दोनों बराबर ही रहने चाहिए, नहीं तो कन्ने फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये देखो जैसे कि अभी देखो यहाँ बराबर है ये, तो यहाँ पर तीन चार गांठी लगा देते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे मैंने तीन चार गांठियाँ अभी फ़िलहाल लगा दी हैं। ये देखो ये रही वो गांठियाँ। तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे वाले छेद में हमें घुसाने हैं। ये देखिए ये मैंने किधर से भी, नीचे तो यार कहीं से भी कर सकते वैसे। ये देखो मैं इधर से कर रहा हूँ, ये दूसरी तरफ से भी कर दिया। इधर से देखो ऐसे डबल आ जाए। और यार टाइट बांधना यहाँ से भी, देखो जैसे कि ये है कुछ इस तरीके का। तो ये हल्का सा अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ढीला गलती से हो गया, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं रहती, हल्का फुल्का ढीला चलता है। लेकिन बहुत ढीला ना बांधे, नहीं तो जिससे आपके कन्ने खुल जाएंगे। तो ये देखो ये मैंने लिया, इसको हल्का सा टाइट करना है। तो एक और ली, एक और बार यूँ बस गांठी मार दी, बस सिंपल है यार। वैसे अब पीछे हमने देखो घुसाया था, रुको यार आ जा। ये देखो ये हम लोगों ने यहाँ छेद कर रखे थे पहले से ही। तो यहाँ पर देखो हम इसके अंदर घुसा देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये गया, तीन चार बार दोबारा से यहाँ पे गांठी बांध देते हैं। एक दो तीन चार, चार बार। या रिबन वाली भी आप ऐसे बांध सकते हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ इतना आ गया, आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। तो इसके बाद अभी मैं बताता हूँ आप लोग को किस तरीके से बांधना है। अच्छा तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है, ये देखिए मैंने इस तरीके से बांध के रख लिया है। इसके बाद बस आप लोग को सिंपली यूँ नापना है। अगर मीडियम हवा है तो आप लोग को देखो कन्ने कुछ ऐसे रखने पड़ेंगे। मीडियम तेज़ हवा है तो आगे वाला हल्का सा बड़ा कर लिया, जिससे क्या होता है पतंग तनी रहती है। और अगर थोड़ी कम हवा है तो इस तरीके से आगे को रख लिया, देख सकते हैं। ये देखो तो अभी फ़िलहाल जैसे मीडियम हवा है तो मैं उसी में आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा बांधना है। ये देखो ये कर लिया हमने इसको मीडियम। उसके बाद यहाँ से घुमा करके उंगली बीच में रखनी है, ये घुमाया और इसको यूँ खींच करके एकदम टाइट कर देना है। तो यहाँ देखो फिलहाल हमने मीडियम बांध लिया, बिल्कुल एकदम सटीक आए हैं। अब चाहे तो यार यहाँ से भी नाप सकते हैं इस तरीके से कन्नों से, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा देखो बराबर आ रहा है। तो इससे क्या होता है आपकी पतंग के कन्ने टूटते नहीं हैं, अच्छी एकदम उड़ती भी रहती है, पतंग टूटते नहीं है। तो ये देखो ये हमने यहाँ फिलहाल बांध लिया है, ये रहे देखो कन्ने। और इसमें आप लोग को अगर चाहिए तो आप यहाँ से जो है ये तोड़ भी सकते हैं। एक ये देखो जैसे चार चार है तो आप एक को तोड़ सकते हैं, एक सद्दी को। तो और उसके बाद ऐसे नॉट्स लगा सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप ऐसे ही बांधेंगे तो कोई वो मोटा वोटा ज़्यादा होगा नहीं, अगर आप सोचे तो। तो ये देखो यार इस तरीके से पीछे से देख लो और इस तरीके से आगे से। तो यार इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे कन्ने बांधे हैं। और यार जनरली जो है मैं ऐसे ही कन्ने बांधता हूँ फिलहाल, मैं आप लोग को बताऊँ तो।
और मैं डबल नहीं करता हूँ ज़्यादा टाइम, मैं तो आप लोग को अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोग यार कमेंट करके पूछ रहे थे हाउ टू टाई नॉट्स, कुछ कुछ ऐसा मतलब वगैरह वगैरह करने कैसे बनते हैं, वीडियो बनाओ। तो यार ये देखो ये रही बना दी। अच्छा तो मैं एक बहुत मेन जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो इदरीस थ्री टाइगर का मांझा रिव्यू पे आने वाली है, जो कि आप लोग को कल या फिर परसों देखने को मिल जाएगी। और 15 अगस्त यार सिर्फ 2 दिन बाकी है 15 अगस्त को, तो फिर वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, अभी कल या परसों में आप लोग देखते रहना बस। और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा जब ये विनर का नाम निकला था सुमेन घोष अंकल के चैनल पे, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, और मेरे चैनल पे आकर के जिसने बोला है नेक्स्ट वीडियो में यार उन सभी का मैं नाम लेने वाला हूँ, जिसने मेरे को फर्स्ट डे के अंदर अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन आके मेरे चैनल पे बोला है, फर्स्ट सेकंड डे मैं 2 दिन तक का ले लूँगा, तो यार उन सभी का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या क्या है क्या क्या नहीं। और फिलहाल अभी काइट फाइटिंग भी हो रही है, तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोग को जल्द बना करके दिखाऊंगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो कैसी लगी बता देना, वीडियो को करना एक लाइक शेयर कमेंट और चैनल करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।